अस्सलाम वालेकुम। कंसंट्रेशन ऑफ और में हमने दो मेथड डिस्कस कर लिए थे। एक था ग्रेविटी सेपरेशन, इसको डिस्कस कर लिया था, ग्रेविटी सेपरेशन। इसके बाद सेकंड जो हमने डिस्कस किया वो था फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रॉथ फ्लोटेशन फ्लोटेशन प्रोसेस। ये दो तरीकाकार ऐसे थे जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हमने डिस्कस कर लिए थे। आज लास्ट वाला तरीकाकार डिस्कस करना है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब याद रखिएगा कि हमारे पास मिनरल होगा, उसमें से गैंग को अलहदा करना है, ओर को अलहदा करना, मतलब इम्प्योरिटीज़ को अलहदा करना है और मेटल्स को अलहदा करना है मिनरल में से। इस तरीकाकार को हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर का नाम दे रहे होते हैं। आज जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक सेपरेशन, ये वाली चीज़ आज हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। अब मैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेट। क्या मतलब होता है? मैग्नेट मतलब क्या कि इलेक्ट्रिसिटी गुजार के किसी चीज़ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैदा कर देना, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का क्या मतलब है? मैग्नेट को यूज़ करना है, उससे आपने ओर को और गैंग को अलहदा करना है। अच्छा, आप कहें इलेक्ट्रिसिटी गुजारने से मैग्नेट भी पैदा हो जाता है, ये तो एक नई बात आ गई। इलेक्ट्रिसिटी गुजारने से क्या मैग्नेट पैदा हो सकता है? ये होता है। आप घर जाके एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, मैं बता देता हूँ। इसमें बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें चाहिए कि आप उसे इलेक्ट्रिसिटी गुजारेंगे, मैग्नेट पैदा हो जाएगा। उसके लिए काम क्या चाहिए? एक सेल चाहिए, एक तार चाहिए और एक कील चाहिए, नेल। सही। अब क्या करना है? आपने एक कील लेना है। ले जी, ये हमारे पास कील आ गया। अब आपने तार लेनी है तांबे की। ये जो अमूमन घरों में सर्किट के अंदर वायरिंग के अंदर यूज़ होती है ना, वो तार, उसके अंदर 7 तारें या आई थिंक 9 तारें या 3 तारें भी होती हैं। उसमें से एक तार को बाहर निकाल लेना आपने, उस एक तार को ना, तांबे की तार को इसके इर्द गिर्द इस तरह लपेटना है। इस तरह आपने कुछ लपेट के अब आपने सेल लेके ना, बेशक रिमोट वाला सेल ले लें, ये छोटा सा सेल होता है हमारे पास, इस तरह इस सेल को यहाँ पे लगा देना है आपने। यहाँ पे ये वाले तार को लगा देना है, अटैच कर देना है, और यहाँ पे इस तार को अटैच करना है। अब क्या होगा, आप नीचे रख लें स्टेपलर की पिन। जैसे ही स्टेपलर की पिन इस नोक के पास लेके आएंगे ना, उसको अटैच करना शुरू कर देगा, अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। लोहे की कोई भी चीज़ होगी ना, उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। सही है। ये था जी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी गुजार के मैग्नेट पैदा किया जा सकता है। ये था जी इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी गुजारनी है, यहाँ पे कहते हैं बड़े मिकदार में हम इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं, बड़ा मैग्नेट पैदा करते हैं, इसको लिए हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अच्छा, इसकी जो बुनियाद है ना, वो याद रखिएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे है। इसकी जो बेस है, बेस किस चीज़ पे है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। अब याद रखिएगा, जो हमारे पास मिनरल होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास गैंग होता है और एक गैंग के अलावा सेकंड नंबर पे मेटल्स का मजमूआ होता है, जिसको हम ओर का नाम देते हैं। सही। अब इसमें जो गैंग होता है ये नॉन मैग्नेटिक होता है, और जो ओर होती हैं मैग्नेटिक होती हैं। मैग्नेटिक ओर होती है, मैग्नेटिक ओर होती है, और नॉन मैग्नेटिक गैंग होता है, नॉन मैग्नेटिक गैंग। बस ये बात याद रखनी है। मतलब क्या कि और ऐसी मेटल्स जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, मसलन मैं एग्जांपल दे देता हूँ, इसका सिंपल अगर प्रोसीजर बताऊँ ना, आप अमूमन भी कर सकते हैं। एक छोटा सा मैग्नेट लें, मखनातीस लें, उसके ऊपर शापर वगैरह लपेट के ना मट्टी के अंदर इस तरह करें। वो छोटे छोटे जो लोहे चून होते हैं ना, आयरन जो मेटल्स होती हैं ज़मीन के अंदर या मट्टी के अंदर, वो ऊपर आके चिमटना शुरू हो जाती हैं मैग्नेट के ऊपर। सही है। ये था छोटे से एक लेवल पे आपने किया। इसको हम अगर बड़े लेवल पे लेके जाएं तो वो कुछ इस तरह से कर रहे होते हैं। हम मैग्नेट को यूज़ करके वहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट कुछ इस तरह से, इस तरीके से करते हैं। आपके पास ना सबसे पहले दो व्हील होते हैं, दो पहिए होते हैं, एक ये होता है, इसके दरमियान में हमने जोड़ा होता है और ये मूव कर सकता है। सही है। और एक पहिया हमने यहाँ पर लगाया होता है,
ये हमारे पास दो पहिए हैं। इसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे इसके ऊपर एक बेल्ट लगाया होता है, और ये जो बेल्ट होता है ये भी हमारे पास व्हील है। पहले इनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ये भी व्हील है और ये भी हमारे पास व्हील है, और इन दोनों में फ़र्क क्या है व्हील में? ये वाला व्हील मैग्नेटिक होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक, यानी कि इसके अंदर मैग्नेट लगा होता है इस व्हील के अंदर। और ये वाला जो व्हील होता है ये क्या होता है? नॉन मैग्नेटिक होता है, यानी कि लकड़ी वगैरह का बना होगा या किसी ऐसी चीज़ का जो कि नॉन मैग्नेटिक हो। सही है, इसके अंदर कोई मैग्नेट नहीं होगा, लेकिन इस व्हील के अंदर क्या होता है जी, मैग्नेट लगा होता है। इलेक्ट्रिसिटी देकर मैग्नेट हम खुद प्रोड्यूस करवाते हैं। ये हमने क्या किया था, इसके ऊपर एक बेल्ट डाला होता है। क्या किया होता है? इसके ऊपर एक लेदर का बेल्ट डाला होता है। अगर किसी चक्की पे जाए ना, जहाँ पे आटा वगैरह पीसते हैं, वहाँ पे उन्होंने भी एक किस तरह का बेल्ट डाला होता है, ये जो कि एक चीज़ घूम रही होती है ना, दूसरी चीज़ को घुमाने में मदद देता है। और यहाँ पे हमने एक मोटर भी लगाई होती है ताकि ये पहिए घूमे। सही, यहाँ पे हमने क्या किया होता है, मोटर लगाई होती है, ये इस तरह कुछ घूम रहा होता है, ये इस डायरेक्शन, देखें जब ये वाला इस डायरेक्शन में घूमेगा तो ये वाला भी इस डायरेक्शन में घूमेगा। सही है, और ये वाला पटक किस डायरेक्शन में घूमेगा? आगे की तरफ, यहाँ पे इस साइड की तरफ घूमेगा। सही है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया होता है कि बड़ा सारा टैंक लगाया होता है, उसमें एक छोटा सा सुराख होता है, यहाँ से यहाँ सिर्फ और बाहर की तरफ आ सकती है। यहाँ मैंने क्या डाली होती है, मिनरल्स वगैरह। अब मिनरल्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, ये आपको पता ही है। ये मैंने क्या किया हुआ जी, मिनरल्स लिए हुए हैं। ये क्या है मेरे पास, मिनरल्स। अब मिनरल्स यहाँ से ना ऐसा ऐसा गिरते रहते हैं। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ इसके अंदर मेटल्स भी हैं, बाकी सारे की सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। कौन सी मिट्टी वगैरह होगी, साल्ट वगैरह, वाटर वगैरह, वो तो हमें नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आके नीचे गिरेगा, ये यहाँ पे आके गिरना शुरू हो गया। जब ये गिरेगा यहाँ पे, तो ये आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ये आगे की तरफ यहाँ पे मूव करना शुरू कर देगा। सेम इसी तरह यहाँ पे, यहाँ तक तो सेम काम रहेगा। अब इसके अंदर ये जो हमारे पास मिनरल है, इसके अंदर हमारे पास मेटल्स भी मौजूद है। हम चाहते हैं कि ये रेड वाली चीज़ें अलहदा हो जाएं। ये जो मैं रेड से बना रहा हूँ ना, सपोज़ कर लीजिए जो रेड वाली ये मेटल्स हैं, ये मैग्नेटिक और है, जिसके अंदर ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, जबकि दूसरी चीज़ें क्या होती हैं, नॉन मैग्नेटिक। अब खुद सोच के बताइएगा, जैसे ये वाली पॉइंट पे पहुंचेगा, ये जो मैग्नेटिक और होंगी ये तो बेल्ट के साथ चिमटी रहेंगी, जबकि नॉन मेटल्स क्या होंगी, यहाँ पे गिरना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे हमने एक रखा होता है टैंक, यहाँ पे जिसके अंदर आके सारी की सारी कौन सी चीज़ जमा नहीं होती है, रेत वगैरह, जिसको हम गैंग का नाम दे रहे होते हैं, वो पहले गिर जाती है। वो कहाँ गिरेगी, यहाँ पे। सही, अब यहाँ पे ये वाली चीज़ हमारे पास गैंग है। गैंग का मतलब क्या है, अर्थली इम्प्योरिटीज़ होंगी, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, अर्थली इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे आके गिर जाएंगी। सही, अब यहाँ पे बाकी कौन सी चीज़ साथ चिमटी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास और यहाँ पे चिमटी रहेंगी, यहाँ तक और क्या रहेंगी, बेल्ट के साथ चिमटी रहेंगी। लेकिन जैसे ये वाला पॉइंट आता है जहाँ पे बेल्ट लैदा हो रहा है और आपका व्हील दोनों लैदा हो रहे हैं, यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा, ये भी ऐसा ऐसा गिरनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हमने एक और बर्तन रखा होता है, ये वाला बर्तन भाई यहाँ पे रखा हुआ है, इसके अंदर हमने क्या करना होता है जी, ये आपकी सारी की सारी और आके यहाँ पे गिरना शुरू हो जाती है, सारी की सारी और आके यहाँ पे गिरना शुरू हो जाएगी। और ये हमने दोनों चीज़ें अलहदा कर ली हैं। ये जो और होती है, इसके अंदर क्या होंगी जी, मेटल्स, लोहा वगैरह होगा। लोहा वगैरह यहाँ पे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, और जो आपका मोस्ट कॉमन प्रोसीजर किया जाता है वो यही वाला होता है। तो ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस बहुत महंगे होते हैं। सही है, क्योंकि उसमें आपका जो चीज़ चाहिए, ऑयल वगैरह चाहिए होता है, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, इसे फ्रॉग फ्लोटेशन प्रोसेस वगैरह बहुत कम करते हैं। ये वाला प्रोसीजर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें आपका बहुत कम वक्त में ज़्यादा चीज़ सेपरेट हो जाती है, और इसमें सेपरेशन भी अच्छी आ जाती है। जो चीज़ें मेटल वगैरह होती हैं, वो सारी की सारी आके यहाँ पे जमा होनी शुरू हो जाती हैं। ये सारी की सारी यहाँ पे गिरेंगी, तो ये यहाँ सारी की सारी यहाँ पे गिर रही होती हैं, और ये वाली चीज़ यहाँ पे गिर रही होती है। इसका समझ है क्या काम हुआ है यहाँ पे? बस यही बात आपने याद रखनी है, मैग्नेटिक ओर को नॉन मैग्नेटिक ओर से अलग किया जाता है। मैं तीनों एक दफ़ा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता देता हूँ,
जहाँ पे ग्रेविटी सेपरेशन हमने पढ़ी थी, ग्रेविटी सेपरेशन में याद रखना है ये बेस करती थी डेंसिटीज की बुनियाद पे। हम पानी के अंदर मिनरल डालते थे, और की डेंसिटी ज़्यादा होती थी वो नीचे बैठ जाती थी, जबकि गैंग की डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर रहती थी और हम दोनों को अलहदा कर लेते थे। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आया फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस बेस करता था वेट प्रोसेस पे, गीले होने पे। जो ओर होती थी वो पाइन ऑयल के अंदर वेट हो जाती थी, और जो बाकी हमारे पास चीज़ होती गैंग वगैरह वो पानी के अंदर वेट हो जाते थे, दोनों को अलहदा कर लेते थे वहाँ पे। तीसरा जो हमने आज डिस्कस किया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि मैग्नेट को यूज़ करके आपने गैंग और किसको अलहदा करना है, अर्थली इम्प्योरिटीज़ को। यहाँ पे काम क्या करना था, आपने बेल्ट कन्वेयर बेल्ट का नाम देते हैं, ये हमारे पास क्या होता है लेदर बेल्ट। ये वाली चीज़ क्या है हमारे पास लेदर बेल्ट है। इस लेदर बेल्ट के ऊपर BELT लेदर बेल्ट है। अब इस लेदर बेल्ट के ऊपर हमने क्या करवाना होता है, मिनरल को गिरवाना होता है। ये आपके पहिए कुछ इस तरह मूव कर रहे हैं, ये आगे की तरह मूव करेंगे, जो नॉन मैग्नेटिक गैंग होगी अर्थली इम्प्योरिटीज होंगी वो पहले गिर जाएंगी, जबकि मैग्नेटिक और बाद में गिरेगी। इस तरह हम इन दोनों को अलहदा कर लेते हैं। ये हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।